इस समय मैं औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर अनुमंडलीय शहर में हूँ और हमारे साथ स्थानीय और दैनिक जागरण के पत्रकार युवा पत्रकार संतोष अमन जी हैं और इस समय हम इनसे खास चर्चा करना चाहते हैं यहाँ के खास उत्सव जितिया पर। हमारे साथ में इस समय संतोष अमन जी हैं जो दैनिक जागरण के एक युवा पत्रकार हैं और खास जानकारी यहाँ के जितिया पर रखते हैं क्योंकि यह स्थानीय भी हैं और स्थानीय पत्रकार भी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर दाऊद नगर का जितिया एक खास उत्सव के रूप में क्यों मनाया जाता है। संतोष जी, देखिए, दाऊद नगर की ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में एक पहचान बन चुकी है, लेकिन इसका राजकीय दर्जा नहीं मिला है, ये थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक जितिया की बात है तो जितिया संस्कृति का जन्म जाता है, यानी कि कम से कम स्वतंत्र 1917 पूर्व यहाँ आई थी। हम सभी जानते हैं कि जितिया पर्व अश्विन मास सितंबर अक्टूबर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ऐसे इसका विशेष वर्णन आपको भविष्य पुराण में मिल जाएगा। इस पर्व में माता अपने पुत्र के चिरंजीव होने की कामना करती है, इसलिए जब पुत्र किसी संकट में पड़ता है तो उसकी माँ कहती है, खैर मनाओ कि तुम्हारी माँ जितिया की थी सो तुम बच गए। यह पर्व 3 दिनों का होता है, एक दिन नहाय खा यानी सप्तमी को माताएं स्नान करके खाना खाती है, अष्टमी को उपवास रखकर शाम में पूजा करती है और नवमी को सुबह उपवास तोड़कर पालन कर लेती है। यहाँ की खासियत यह है कि ये परंपरा मन के वर्षों से चले जा रही है। यह अनंत पूजा के दूसरे दिन से ओखली दिखाती है। यहाँ 4 चौक है, कभी अनंत पूजा के 2 चौक पर दूसरे दिन दिखाती है, बाकी के तो कुछ दिन बाद दिखाती है। और जितिया के जितवान भगवान की पूजा की जाती है, समारोह का शुभारंभ इस उमंग झुमर गीत से होती है। धन भाग रे जितिया तोरा अले जीरा निहाल जितिया, जो अले मन खुलसवे 9 दिन कैले बेहाल जितिया, ये स्वर हर चौक पर सुनाई देता है। हालांकि ये जितिया पर्व पूरे देश में मनाई जाती है, जिसमें पुत्रों के दीर्घायु होने की कामना को लेकर महिलाएं यह व्रत करती है, पर दाऊद नगर मनाया जाने वाला जितिया पर्व की बात ही अलग है। आखिर क्यों है अलग सर? इसलिए कि यहाँ एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि जितिया पर्व त्यौहार के तो रूप में मनाया जाता है, मैंने पूरे देश में मनाया जाता है जितिया। पूरे देश के महिलाओं के लिए, पुत्र के कामना के लिए, पुत्र के भविष्य के लिए मनाया जाता है। लेकिन यहाँ जो हमको सुनने में आता है, जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ नकल पर्व के रूप में भी जितिया मनाया जाता है, शायद इसके लिए खास हो सकता है। आपके नज़रों में क्या है? जैसे कहा जाता है कि जैसे बताया जाता है इतिहास में कि 158 वर्ष पूर्व जब इस समय यहाँ महामारी फैली थी एक बार, ठीक है, तो ये जो सिलसिला रुक नहीं रहा था। पसान लोग इस समस्या का निदान है तो दक्षिण भारतीय ओझा एवं पुजारियों से संपर्क किया। बाहर से बुलाए गए पुजारियों ने तेजी से हो रही मौतों को बम्बा देवी का कहर बताया। फिर यहाँ के लोगों ने शहर के चारों कोनों पर बम्बा देवी का स्थापना किया, पूरे विधि विधान से जितिया का पूजा अर्चना की, तब लोगों को राहत मिली। बम्बा देवी के पूजा अर्चना का प्रचलन बढ़ता चला गया, जो बाद में एक पर्व का रूप धारण कर लिया। आज एक जितवाहन गोसाई जी जो है एक राजा थे, उनके बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे कि वो कि कोई आता कहा जाता है कि जैसे कि यहाँ एक शैतान था जो मांस खा जाता था, बच्चों लोग को मारता था, तो जितवाहन राजा के पास सब गए थे सब, तो जितवाहन गोसाई ने जो आज गोसाई के नाम से जाना जाता है उन्होंने खुद जाकर उस गरुड़ पक्षी एक था कहा जाता है सुनने में आता है, तो वो खुद पड़ गया था, कहा था कि मेरे मांस खा लो, लेकिन वो मांस खा रहा था। फिर उसके बाद ऐसा भी सुनने को आता है या जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ जैसे ही जितिया पर्व का आगमन होता है लोगों में एक अलग खुमार उमंग छा जाता है। वह क्या होता है और कैसे लोग, मतलब कि लोग नकल के रूप में लोग अपना वेशभूषा बदलना शुरू कर देते हैं?
में 9 दिन पर्व मनाया जाता है। इस दौरान प्रतिदिन हेयर एंगेज करना किए जाते हैं। स्थानीय कलाकारों द्वारा दिखाए गए कला से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, चाहे चाकू शरीर पर चाकू चढ़ाना हो। तो कलाकार मतलब कि दो चार लोग होते हैं कि यहाँ के पूरा शहर के लोग हो जाते हैं? देखिए शहर तो कलाकारों का ही है, और जितिया में वो भी कलाकार बन जाते हैं जो कभी कला का प्रदर्शन नहीं किए हैं। तो इसमें तो जो मंझे हुए कलाकार होते होंगे वही कला करते होंगे? देखिए ये ऐसी बात नहीं है, यहाँ जो मंझे हुए कलाकार तो करते ही हैं, लेकिन ऐसे कलाकार जो बता रहे हैं हम आपको जो कभी नहीं कला दिखाए हैं, लेकिन जब द्वितीया में आइएगा तो वो भी कलाकार बन जाते हैं। खुद निर्देशक, खुद स्त्री के भेष में, खुद सारा एकांगी खुद करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ये मंझे हुए कलाकार नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि जितवन गोसाई का दिन है। यहाँ एक से बढ़कर एक प्रदर्शन होता है, चाहे आँख का गोला मुँह में लेना हो, या दम चाकू सीधे गाल से आर पार होना हो, पूरे बाँह में चाकू हो, दम मराड़ा देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। क्या ये चाकू वगैरह जो घोपते हैं तो किसी केमिकल वगैरह का भी प्रयोग होता है कि इस तरह से उनके कृपा से हो जाता है? देखिए ये तो जितवन गोसाई की कृपा है, यहाँ लोग भी करते हैं, मान्यता भी है। आप आम दिन में देखिएगा जो अगर एक सुई भी चुभता है एक शरीर में तो उसके शरीर से खून निकलता है, लेकिन जब यहाँ एक चाकू चढ़ता है तो नाम मात्र के भी जरा से भी खून नहीं निकलता है, ना उसको दर्द होती है। ये सब कहा जाता है जितवन गोसाई की देन है। अभी यहाँ बहुत सारी शक्तियाँ हैं जितवन गोसाई के, जब आइए आप यहाँ 21 सितंबर से नकल अभिनय प्रतियोगिता अपने सभाप पर होगा। हम चाहेंगे कि सभी आइए, यहाँ बहुत दूर दूर से भी अभी रिश्तेदार आना शुरू हो गया है यहाँ पर। अब चाहेंगे कि जो भी दर्शक देख रहे हैं तो आएं और दाऊनगर में जितिया पर्व को देखें। दाऊनगर कहाँ पर है सर, पूरा रूप में हमारे सब्सक्राइब को दर्शकों का बताएं? ये दाऊनगर औरंगाबाद जिला का है, बिहार में है औरंगाबाद जिला, उसके एक अनुमंडल है दाऊनगर। यहाँ चार चौक है और पूरे शहर रंग में डूबा रहता है 21 तारीख से। एक से बढ़कर एक झांकी मिलेगा आपको, एकांकी मिलेगा, हेयर अंगेज करनामे मिलेंगे, जिसे देखकर आप लोग मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। आप चौंक जाइएगा जब आपके सामने जिम में जब त्रिशूल आपके सामने सभी के सामने डाल देता है, तब देख के दंग रह जाइए कि अरे यार ये कैसे हो गया। तो ये सब जितवन गोसाई के। ऐसे तो महिलाएं जो जितिया सोना वगैरह या चांदी के जो बनाते हैं उसकी पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ जानकारी प्राप्त होता है कि यहाँ जो लोग हैं खास स्थल पर पूजा किया करते हैं, तो वो स्थल कहाँ पर, वो कैसा होता है? ये पाकड़ का ओखली बनाया जाता है, चार चौक है यहाँ पर, एक आपको इमली तर है, एक आपका बाजार में है, एक आपका पुरानी शहर है, एक कसरे टोली में है। ये चारों चौक पर ओखली रखा जाता है जहाँ झूमर गाए जाते हैं, 9 दिन तक झूमर गाए स्थानीय कलाकार गाते हैं। और फिर उसके बाद जिस दिन नहाए खाए होता है एक दिन, फिर उसी दिन व्रत होती है। सारी महिलाएं अपने जो जितिया अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, सोना के लिए पुत्र के लिए और चांदी पुत्री के लिए, लेकिन अब तो पोते बेटी के भी हो के लिए भी सोना का ही बन रहा है। ये क्या वहीं पर रख के उस जितवन गोसाई के पास में पूजा किया करते हैं? जी हाँ, वहीं जितवन गोसाई की पूजा होती है और चौक पर होती है, अभी दूसरा दिन उसका पारण होता है। सर आपका शुभ नाम, अपना परिचय बताएं। जी हाँ, संतोष अमन, अनुमंडल संवाददाता, डेनी जागरण। बिहार प्रदेश के औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर अनुमंडल मुख्यालय में जितिया पर्व एक खास उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह जितिया पर्व काफ़ी खास होता है, इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद होते हैं और खास चार स्थानों पर जितवाहन गोसाई की पूजा होती है। खास अपडेट के साथ आज इतना ही। दाऊद नगर से अपने सहयोगी आलमगीर अख्तर के साथ मैं सुनील कुमार बॉबी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।